एक भी पर्ची नहीं आ रही, हम तो बर्बाद हो गए। मिल वाले तो कह रहे हैं पैसा आए बाबा, तो आप मिल वालों से जाके मालूम करिए। गन्ना खराब हो जा रहा है, पर्ची आ नहीं रही। अरे मालिक एक पर्ची दे दो, हमारा जब पैसा कट जाता हम किसान चक्कर काटते रहते, हमारा संशोधन क्यों नहीं होता है? लगभग उत्तर प्रदेश के 30 लाख किसानों की आजीविका और आय का प्रमुख स्रोत है गन्ना। ये सभी 30 लाख गन्ना किसान 168 कृषक सहकारी गन्ना विकास समितियों के सदस्य हैं, तथा इन्हीं समितियों के माध्यम से ये प्रदेश की 125 चीनी मिलों की गन्ना आपूर्ति करते हैं। लेकिन 1000 करोड़ रुपए का ये कारोबार अपने अंदर कई विषमताएं समेटे हुए था। जरूरत थी एक ऐसी संचार प्रणाली की जो इस विस्तृत सूचना के दरार को भर सके और सभी हिस्सेदारों को एक मजबूत और अनमोल मंच दे सके। अंततः एक ऐसा सिस्टम डिजाइन हुआ जहां हर 125 चीनी मिल एक स्वतंत्र वितरण केंद्र बने। SIS यानी शुगर केन इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत हर एक चीनी मिल ने अपनी वेबसाइट बनाई, जहां गन्ना कृषक अपनी संबंधित चीनी मिल की वेबसाइट पर जाकर गन्ना विकास और कारोबार संबंधी जानकारी बड़ी पारदर्शिता के साथ प्राप्त कर सकता है। हर 30 लाख गन्ना किसान को एक पासवर्ड संरक्षित वेब पेज दिया गया है, उसके संबंधित चीनी मिल द्वारा, और सभी भेजे गए SMS को स्टोर किया जाता है ताकि किसान कभी भी अपने रिकॉर्ड्स को जांच सके। अशिक्षित किसानों के लिए IVRS की सुविधा भी है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। किसान को ई कंप्लेंट प्लेटफॉर्म भी मिला, जहां किसान अपने वेब पेज पर अपनी कंप्लेंट भेज सकता है और गन्ना विभाग के अधिकारी से बिना समय गंवाए समाधान पा सकता है। SIS आने के पहले कम से कम 4 लोगों की टीम हर एक किसान के खेत का सर्वेक्षण करती थी, लेकिन अब एक ही इंसान ये कर सकता है अपने GPS उपकरण की मदद से। ये प्रक्रिया न ही सिर्फ किफायती है, बल्कि किसान को वास्तविक समय में अपडेट भी कर देती है। जब मिल सप्लाई टिकट जारी करती है तो SMS के द्वारा किसान को टिकट भी भेजा जाता है। किसान को किसी कारणवश टिकट ना मिला हो तो वो SMS दिखाकर अपने गन्ने का तौल करा सके। तौल अब कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं और सभी खरीद केंद्र में HHC इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे और CCTV कैमरा लगाए गए हैं, ताकि घटतौली की कोई गुंजाइश ना रहे। भुगतान होते ही SMS अलर्ट के द्वारा किसान को इस कार्य संपादन की जानकारी मिल जाती है। SIS की कामयाबी को नए आयाम मिले जब 2011-2012 में गोल्ड मेडल मिला ई गवर्नेंस के राष्ट्रीय पुरस्कारों में। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार और कपाम इंटरनेशनल इनोवेशन अवार्ड्स में भी गोल्ड मेडल से नवाजा गया। गन्ना सूचना प्रणाली ने किसानों के बीच सूचनाओं के भेदभाव को खत्म कर दिया। कम साक्षरता की दर ई गवर्नेंस के लिए बाधा नहीं है, यानी सही मायनों में प्रजातंत्र का प्रतीक है SIS।